हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 190 के बारे में। अभी तक आपने इसके पहले वाले 189 एपिसोड्स नहीं देखे हैं जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उन चीजों का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ इस एपिसोड को पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 190। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की बदौलत सेल को अर्थ पे फटने से रोक दिया है, जो कि सीधा ही जाकर फट जाता है किंग काई के प्लैनेट पर, जहाँ प्लैनेट तबाह हो जाता है, साथ ही में गोकू भी तबाह हो जाता है। इधर गोहान रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ गोकू ही शिकार नहीं हुआ था। जैसे ही प्लैनेट पर वापिस आता है सेल अर्थ पर, और आते ही वो सीधा ही ट्रंक्स को मार देता है, और ट्रंक्स अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। और इधर एंड्रॉइड 18 की जान बचा ली है क्रिलिन ने, तभी ये लोग देखते हैं कि सेल फिर से खूंखार अवतार में इनके सामने खड़ा है लड़ने के लिए, जहाँ पर अभी वो रेडी है। और इधर गोहान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजिटा जाता है सीधा ही उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे ट्रंक्स का बदला लेना है। तो वो मारने के लिए जैसे ही पहुँचता है तो वेजिटा को भी वो फेंक देता है, और फेंकने के बाद एक लेजर बीम चला देता है जिससे अभी वेजिटा की मौत होने वाली होती है। तभी वहाँ गोहान पहुँच जाता है, जिस वजह से गोहान का एक हाथ ही टूट चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में है और बहुत जख्मी भी हो चुका है। अब गोहान फिर भी उठता है, तभी सेल कहता है कि बस तुम्हें इतना ही दम है। तब हमें लगता है कि ये जो सेल है, ये कामेहामेहा टेक्निक यूज करके अब इन लोगों को मार देगा। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं सेल ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी गेन करते हुए जा रहा है, जहाँ गोहान अभी खड़ा है जो कि कुछ नहीं कर सकता, और सेल की एनर्जी देखने लायक हो चुकी है। इधर ये जो पंटर है और ये जो शूट करने वाला बंदा है, वो कंटिन्यू शूट करे जा रहा है। और तभी हरक्यूल कह देता है कि ये भी इनकी एक चाल है। ऐसा कह ही रहा होता है तो एंकर उसे साइड कर देता है और कहता है कि क्या ये सेल अपने पूरे अर्थ को तबाह कर देगा या फिर हम लोगों को तबाह कर देगा, जानने के लिए देखते रहना होगा। और इधर एनर्जी गेन हो चुकी है, जिस वजह से एंकर को पता चल जाता है कि उसके हाथ में ये लकड़ी ही है और कुछ नहीं। और तभी वेजिटा ऊपर देखने लगता है, जो कि कहता है कि गोहान अभी भी खड़ा है, लेकिन मैं नहीं खड़ा हूँ, ये तो सैन के ऊपर एक दाग ही है जो कि मैं अभी तक नहीं हार पाया था, लेकिन मैं अभी हार चुका हूँ और मेरे एक वार से भी मैं कुछ नहीं कर सका। तो वो गोहान को सॉरी कह देता है। अब सॉरी गोहान कहने के बाद गोहान चौंक चुका है, जो कि यही कहता है कि शायद से अब वेजिटा को पता चल गया है कि वो उसे नहीं रोक सकता और मैं भी नहीं। इस वजह से अभी गोहान निराश है। इधर पिकलो अभी भी एनर्जी गेन करने की कोशिश करता है, जो कि कहता है कि अरे यार, मेरे पास तो कुछ एनर्जी ही नहीं बची, तो मैं कैसे इसका सामना कर सकता हूँ। अभी भी गोहान खड़ा है। और इधर मिस्टर पोपो डेंडे को पूछते है कि डेंडे आखिरकार चल क्या रहा है, जहाँ पर डेंडे कहता है कि इतना ज्यादा खूंखार क्यों लग रहा है मुझे सेल, इससे क्या हमें डरना चाहिए। तभी हम देखते है डेंडे के प्लेनेट पर, जहाँ ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी वो एनर्जी महसूस होती है, जहाँ पर वो लोग गुरु को पूछते भी है कि भाई आखिरकार ये एनर्जी क्या है, जहाँ वो कहता है कि डेंडे जिस प्लेनेट पर है उसी प्लेनेट की ये एनर्जी है, शायद से वो जो सेल था वो खत्म कर देगा उस प्लेनेट को। अब ये सारे लोग परेशान हो चुके हैं, और इधर सेल अभी भी एनर्जी गेन करते हुए जा रहा है। और तभी वो कहता है कि मुझे एक्चुअल अब पता चल रहा है कि डॉक्टर जीरो ने मुझे किसके लिए बनाया था, जहाँ पर मैं अंदर था। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर जीरो एक्चुअल में कोड कर रहे होते हैं इस सेल को, जहाँ आ जाते हैं एंड्रॉइड 17 और 18, जो कि कह रहे होते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, जहाँ पर डॉक्टर जीरो कहते हैं कि अभी मैं बना रहा हूँ इस सदी का महान एंड्रॉइड। ये सुनकर एंड्रॉइड 17 कहता है कि वो तो तुम्हारे सामने ही है, जहाँ पर ये डॉक्टर जीरो कहते हैं कि नहीं, तुम में उनका कुछ भी गुण नहीं है, जहाँ वो एक महान होंगे और वो तुम दोनों को भी खा जाएंगे। और ये कहने के बाद इधर एंड्रॉइड 18 को गुस्सा आता है, जो कि साइड की जो टेस्ट ट्यूब्स है वो फेंक देती है। अब वो मारने के लिए आ जाता है, तभी डॉक्टर जीरो अपनी रिमोट से बटन दबाने ही वाला होता है, उसके ही पहले एंड्रॉइड 17 जो है वो डॉक्टर जीरो का सर दूर फेंक देता है। और डॉक्टर जीरो उसी सर के अंदर से कहते हैं कि तुम्हें अभी लग रहा होगा, लेकिन देखना वो जब आएगा वो तुम दोनों को भी निगल जाएगा। अब इतना कहकर ये दोनों ही कंटिन्यू उसके ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं,
जिससे डॉक्टर जीरो वहीं पर खत्म हो चुके हैं, जहां अभी ये दोनों पहुंच जाते हैं उस टेस्ट ट्यूब के सामने जिसके अंदर होता है सेल, जहां वो कहती भी है यानी एंड्रॉइड 18 की वह एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी एंड्रॉइड 17 कहता है कि हम तुम्हें उठाना नहीं चाहते नींद से, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। ये दोनों बाहर जाते हैं और सीधा ही उस जगह पर वार कर देते हैं जो कि दोनों ब्लास्ट करते हैं, जिस वजह से उस लैब की हालत खस्ता हो चुकी है। जहां पर अभी हमें सेल की आवाज आती है कि इतनी ज्यादा लैब खराब होने के बाद भी वो जो टेस्ट ट्यूब था मेरा जिसके अंदर मैं था वो अभी भी सलामत था और कंप्यूटर मेरी एक्चुअल में देख रेख कर रहे थे और डॉक्टर जीरो के जितने भी रिकॉर्डेड ऑडियोज थे उसे मैं सुन रहा था। और देखते देखते धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो वो टेस्ट ट्यूब फूटा, मैं बाहर आया और उस कीड़े के अंदर से मैं निकला। जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा कि भाई इस दुनिया का तो सर्वनाशी हो चुका है जो कि एंड्रॉइड 17 और 18 ने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जितने भी लोग मुझे मिले उनके डीएनए से मैंने कुछ एनर्जी एनहांस कर ली, अपने अंदर ले ली, लेकिन अभी भी मैं इतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन थैंक्स टू ट्रंक्स मुझे पता चला टाइम मशीन के बारे में और मैं यहाँ पर आया। लेकिन टाइम मशीन में फिट होने के लिए मुझे फिर से उस कीड़े में तब्दील होना पड़ा और फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार मैं आ गया। और हाँ, टाइम ने मुझे ये भी सिखा दिया कि अगर हम रुक रुक के काम करते हैं, जैसे टाइम आने देते हैं कुछ चीजों को, टाइम देना पड़ता है कुछ चीजों को और वो देने के बाद एक्चुअल में हम महान बनते हैं। और सबसे पहले मैंने जब एंड्रॉइड 17 को निकला तब मुझे पता चला कि मैं इसके लिए बना हुआ हूँ, यानी इस पृथ्वी का सर्वनाश करने के लिए। और जैसे ही मैंने एंड्रॉइड 18 को लिया तो मेरी पावर तो अनगिनत हो चुकी थी। तब मुझे पता चल गया था कि मैं किसके लिए बन चुका हूँ। मुझे लग रहा था मैं अब तक सिर्फ गोकू को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बना हूँ, लेकिन नहीं। और तब जब मैं फूट गया था उस प्लैनेट पर, जिस प्लैनेट का सर्वनाश होने के बाद भी मैं जिंदा रहा और मैं फिर से आया, जहाँ पर मेरे पास पिकलो की रीगेन पावर थी, गोकू का बल था, सुपर सैन की पावर थी और साथ ही साथ फ्रीजा की भी ताकत जो कि कहीं पे भी रह सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और अब मुझे पता चला कि मैं इस अर्थ का नहीं, गोकू का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ हूँ। और तभी इधर ट्रंक्स को देखते हैं हम जो कि नीचे गिर चुका है। इधर क्रिलिन कह रहा है क्या अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते बचाने के लिए इस अर्थ को जिस पर हम रहे हैं, जिसके लिए हमने इतनी सारी जिंदगियां दाव पर लगाई है, अभी भी हम नहीं बचा सकते। जहाँ पर सेल हंसने लगता है और तभी ये रिपोर्टर कहता है कि शायद से ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बच्चा इसको हरा सकता है तो वो यही है। तभी ये हरक्यूल कहता है कि ये जो पूरी चीजें है ये एक छलावा है और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद हरक्यूल दूर जाकर फेंक दिया गया है। इधर अभी हम लोगों को देखते हैं जो कि भगदड़ मचा रहे हैं क्योंकि अर्थ पूरी ही हिल रही है, जिसको देखकर चीची बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो टेबल पर मार रही है और कह रही है कि मेरा गोहान आखिरकार कैसा होगा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, ये सड़ा हुआ टीवी है, और वो बहुत जोर जोर से मारे जा रही है। तभी उसके पिता ऑक्स किंग कहते हैं कि चीची थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन फिर वो ऑक्स किंग के ऊपर ही मारने लगी है कि मेरा गोहान आखिरकार ठीक होगा या नहीं, क्या होगा। तभी डोर बेल बजती है और बाबा आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि भाई एक्चुअल में मुझे लग रहा होगा कि तुम्हें जरूरत है गुहान को देखने की, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जहाँ बाबा क्रिस्टल रख देता है और अपने ही मंत्र कहने लगता है, जहाँ चीची को रहा ही नहीं जा रहा, वो चिल्लाए जा रही है कि जल्दी करो बुढ़िया। जहाँ बाबा कहते हैं कि चिल, जल्दी ही हो जाएगा। तभी इधर चीची को देखने को मिलता है गुहान जो कि अधमरे हालत में अभी भी खड़ा है, जिसे देखकर चीची बेहोश हो चुकी है। इधर सेल हंसता है और कहता है कि अब पृथ्वी का सर्वनाश तो करना ही है और तुम्हारा भी हो जाएगा साथ में, अब तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। जहाँ पर गुहान सोचने लगता है और वो कहता है कि अब मैं हार चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका, जब मेरे पास टाइम था तुम्हें मारने का तब मैं तुम्हें नहीं मार पाया, ये मेरी ही गलती है जिसकी सजा मेरे पिता ने भी भुगती है। तभी वहाँ पर गोकू की आवाज आती है कि गुहान तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुमने अभी हार क्यों मान ली है। तभी वहाँ वो ऊपर देखता है कि हे डैड आप कहाँ पर हो। जहाँ पर गोकू कहता है कि मैं किंग काय की मदद से तुम्हें टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेटे हो गुहान, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे पास उतनी ज्यादा ताकत है कि तुम सेल से लड़ सकते हो, तो तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ जो कि हार चुका है, उसे बढ़ाओ, अपनी ताकत से कामेहामेहा मुंह चल दो जो कि लास्ट मुंह होगी, जहां मुझे अभी भी गर्व है और हम दोनों यहां पर खुश है, किंग काय और मैं भी। तभी किंग काय कहते हैं कि अपनी बात करो, मेरी बात मत करो। और तभी गोकू कह देता है कि अपने अंदर की पावर को जगाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ और एक जोर का कामेहामेहा मुंह कर दो। तभी ये लोग कहते हैं कि गोहान किससे बात कर रहा है आखिरकार, जहां पर वो लोग देखते ही रहते हैं और गोहान ने कामेहामेहा टेक्निक यूज कर ली है। जैसे ही वो यूज करता है तो उसके एक हाथों के जरिए वो यूज करने लगता है, एक
हाथ पीछे लेता है और सेल कहता है कि ये हुई ना बात, अब आएगा खेल में मजा। तभी डेंडे कह देता है पोपो को कि हमें लग रहा है कि गोहान अभी भी लड़ रहा है। इधर चीची बहुत ज्यादा चिल्लाए जा रही है जिसने देख लिया है कि गोहान अभी भी लड़ रहा है। ये लोग चिल्लाए जा रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि शायद से ये हमारा अंत हो चुका है। जहाँ पर अभी कामेहामेहा बोल रहा है गोहान और तभी सेल अपना मूव चल देता है जो कि सीधा ही फेंकता है गोहान की तरफ और गोहान बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मूव भी चल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके मूव के साथ साथ उसके पिता यानी गोकू भी उसके पीछे खड़ा है जो कि कंटिन्यू इस एनर्जी को फ्लो किए जा रहा है सेल के ऊपर। तो अब ये दोनों एनर्जी आ चुकी है तो अब क्या सेल को रोक पाना मुश्किल नहीं या फिर इस ब्रह्मांड का ही विनाश होगा, जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।